मेरे साथियों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिरी ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सन्यासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। तो आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, अर्थात सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाती है, जिससे रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें, मुझे देखो। मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूँ। इस बात से अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाई काटे और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली। तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा। चलो अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। देखो, पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। तो सुनो, भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, मेरे साथियों। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं
और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।